बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। तो जी आज मैं कर रही हूँ आप लोगों के साथ थोड़ी सी अपनी रूटीन शेयर। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं और बच्चे जो हैं मेरे स्कूल गए हुए हैं। पूरा घर मैंने साफ़ कर लिया है, अब ये एक कमरा रहता है जिसकी मैं अभी सफ़ाई करूँगी। ये बच्चों का कमरा है, बच्चों के जाने के बाद मैं अभी इस कमरे में आई हूँ। तो अभी देखते हैं इस कमरे को साफ़ करने में मुझे कितना टाइम लगता है। तो बस इसकी चादरें भी चेंज करनी है और थोड़ा प्लेन भी करना है, जो बच्चों ने सामान फैलाया है वो सारा प्लेन करूँगी। तो बच्चे जो हैं वो स्कूल से आ जाएंगे 1 बजे तक। उनसे पहले, मुझे आने से पहले बच्चों के खाना बनाना है उनके लिए। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं फटाफट में ये कमरा साफ़ कर लूँ और जल्दी किचन में जाऊँ ताकि बच्चों के आने से पहले उनके लिए खाना तैयार कर सकूँ। बस ये बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी है, थोड़ा सा इसको जो है प्लेन करना है कमरे को। बारिश का मौसम है, बारिश की वजह से जो है हर चीज़ में स्मेल हो रही है, घिमस हो रहा है पूरे घर में। तो अब इस वक्त भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो बस ये कमरा मैंने साफ़ कर दिया है, बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी हैं, पानी का कूलर भी मैंने बच्चों के लिए बना दिया है क्योंकि बच्चे इतने थके हुए आते हैं कि फिर उनकी हिम्मत नहीं होती कोई भी काम करने की। तो वो चाहते हैं कि जहाँ बैठे रहें वहाँ उनको हर चीज़ प्रोवाइड की जाए। तो बस जी ये माँ बाप भी होते हैं जो बच्चों की हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़े स्कूल से आने के बाद सुस्त हो जाते हैं, थके हुए आते हैं, शायद उनकी नींद पूरी नहीं होती। तो बस अब चलते हैं किचन में, खाना बनाते हैं फटाफट। तो यहाँ पे जो है मैंने प्याज कटिंग करना शुरू कर दी है, आलू मैंने पहले ही कटिंग करके रख दिए हैं, अब आलूओं को बॉयल करते हैं। चिकन मैंने वाश कर दी है, मैं चिकन आलू बना रही हूँ शोरबे वाला सालन। तो बस ये पूरा तो खैर मैं रेसिपी नहीं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बस थोड़े छोटे छोटे से क्लिप बनाऊँगी क्योंकि यहाँ 12:30 बजे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो बस सालन भी जो है मेरा तैयार है, आलू ऐड करके पानी डाल के फिर मैं इसको दम लगा दूँगी। तो यहाँ पे जो है बच्चे आ चुके हैं घर में, बच्चों ने कपड़े चेंज करके मुझे दे दिए हैं यूनिफॉर्म्स, मैं इनके वॉश कर रही हूँ। तो मैं बस हाथ से ही धोऊँगी क्योंकि बारिश का मौसम है, मशीन लगाने में ये है कि फिर कपड़े सूखते नहीं हैं। कंटिन्यू 15-20 दिन हो चुके हैं बारिशें चल रही हैं, तो थोड़े थोड़े कपड़े हाथ से ही धो रही हूँ मैं। तो बस यूनिफॉर्म जो है वो तो मोस्टली धोने ही पड़ते हैं बच्चों के लिए। वैसे तो माशाल्लाह 2-2, 3-3, 4 यूनिफॉर्म भी हैं एक बच्चे के, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि यूनिफॉर्म जो है वो एक दिन भी मेले नहीं हो, क्योंकि कोई दाग तबा अगर लग जाता है तो फिर यूनिफॉर्म ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो यूनिफॉर्म्स वगैरह धो लिए हैं, अब इनको वॉश करके अब इसको लगाते हैं रस्सी पर। तो यहाँ पर 1-2 सूट मैंने अपने भी धो लिए थे। अल्लाह का शुक्र है कि बारिश होने के बाद फ़ौरन जो है धूप निकल के आ जाती है, 15-20 मिनट में फिर बारिश होती है। तो अब मैं कर रही हूँ इनके यूनिफॉर्म प्रेस, यहाँ पे शाम के जो है वो 7 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा यूनिफॉर्म प्रेस करके रख देती हूँ ताकि कोई चीज़ बच्चों की रह नहीं जाए। इनके जो है वाटर कूलर बनाने, अभी मुझे शूज़ वगैरह पॉलिश करने हैं। वैसे तो ख़ुद कर लेते हैं बच्चे काफ़ी काम, माशाल्लाह से बड़े हैं बच्चे, लेकिन कभी उनका बिल्कुल मूड नहीं होता है तो फिर मैं कर लेती हूँ। 4-5 दिनों से YouTube पे एक ख़बर चल रही है, आप पहले जो है वीडियो के लिए देख लें फिर इस बात पे डिस्कस करते हैं कि ये क्या चक्कर है। अल्लाह रहम करे सबके ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं कि बात करते हैं हम बहन की मोहब्बत की, जिसके ऊपर शायद लाखों उंगलियां उठ रही हैं। उसको पागल किया गया रात दिन फोन कर करके। स्टार्ट कहाँ से हुआ है कि पहले फेक आईडी बनाई, फेक आईडी से लोगों को, जो भी रिएक्शन चैनल वाले थे, जो भी मेरे हेटर्स थे, उनको मैसेज किए गए हैं कि सितारा का ऐसे ऐसे चक्कर है, आप इस बात को आगे बढ़ाओ यूट्यूब पर। तो जब लोगों ने रिएक्शन देना शुरू किया, तब जब इन्होंने देखा कि इसको रिएक्शन चैनल वालों से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इन्होंने
फिर अपनी एक गेम खेलना शुरू की उसको फोन करके, ये बात फलां बात फलां बात, ये है तुम नहीं जानती, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये कर 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 के उसको पूरी दुनिया मेरा तमाशा देख रही है और मेरी बहन ये सब देख रही है। जिस जिसने भी ये इस गेम में इन्वॉल्व हुए हैं अल्लाह देख रहा है, तो मेरी माँ को जरूर आना चाहिए था। मेरी जो भी मेरी बहन को ये सब बोल के करा रहा है वो सब झूठ है। माँ खराब किया गया, उसको पागल किया गया, रात दिन फोन पे पहले से। वैसे तो यूट्यूब पे ये मतलब सबने ही वीडियोस देखी होंगी, लेकिन मैं बड़ी हैरान हूँ इन लोगों के ऊपर कि इन्होंने किस तरीके से इनकी इज़्ज़त को उछाला है। इनके घर का पर्सनल मामला है, चले उनकी बहन को दुख हुआ, उन्होंने जो है आके यहाँ पे ये बात कर भी ली, तो लोगों को नहीं चाहिए कि इस तरीके से मज़े लेके वीडियोस बनाना, तंज करना, टोकबाजी करना, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि हर किसी की बहन बेटियाँ, हर कोई इज़्ज़तदार है, जितना हो सके दूसरों का राज छुपाया जाए। अगर आप किसी के लिए हमदर्द नहीं बन सकते तो अज़ियत भी मत दें किसी को, तो ये बहुत गलत बात है। इतना प्यार था दोनों बहनों में, और वैसे भी हमारे जैसे दुनिया में यह है कि किसी की तरह की किसी से देखी नहीं जाती। जैसे सितारा बहुत आजकल जो है फेमस है, क्वीन ऑफ यूट्यूब कहा जाता है सितारा को, तो बस ये लोगों से देखा नहीं गया और लोगों ने जलीसी में आके ऐसी वीडियोस बनाई हैं कि बस अल्लाह माफ़ करे। लेकिन वत मंतशा वत ज़िल्लु मंतशा, तो इसलिए सितारा को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने कुछ नहीं किया है, वो साफ़ है, हर चीज़ से उसकी नीयत सच्ची है, तो फिर उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जो अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है वो उसकी इज़्ज़त इंशाल्लाह रहेगी। बाकी यह है कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे बंदा जो है ना सिर्फ इज़्ज़त दे सबको, दलील नहीं करे।